व्हाट्सअप गाइस, ज्ञान इन हिंदी चैनल से एक वीडियो है। टाइटल बहुत डेयरिंग टाइटल है, यही बताएगा। लाइव टीवी पर लड़की ने की करने लगी शर्मनाक हरकत। भाई ऐसा क्या कर दिया, शर्मसार हो गई लड़की। तो भाई देखते हैं, वीडियो एंजॉय करेंगे साथ में। फनी वीडियो होने वाली है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ज्ञान इन हिंदी चैनल से अमेजिंग वीडियो होते हैं, भाई के चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करिएगा। और दोस्त ये हमारा गेमिंग चैनल है, तो महाकाल के नाम पर सब्सक्राइब ठोक दो। रात को 10 बजे लाइव स्ट्रीम भी होती है। और किन वीडियो पर रिएक्शन चाहिए बताना जरूर। रेडी सेट एंड हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों। लाइव टीवी पर काम करना इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं और आपके साथ क्या हो सकता है, इस पर लाखों लोगों की नजर रहती है। जी हाँ, लाइव रिपोर्टिंग में आपके पास अपनी गलतियों को सुधारने का मौका न के बराबर होता है। ऐसे में दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे कैसे रिपोर्ट्स और एंकर्स के साथ लाइव टीवी शो के दौरान घटनाएं हुई हैं। आज हम आपको एक से बढ़कर एक क्लिप दिखाने वाले हैं लाइव शो की, जिसे देखने के बाद आपको बहुत हंसी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप अपनी हंसी ही नहीं रोक सकते। जी हाँ, आप यहाँ देखिए कि कैसे एक लड़की जो कि टीवी एंकर है, वो शो होस्ट कर रही है, वो भी अपने घर से। जी हाँ, 2020 में सबका काम वर्क फ्रॉम होम से ही तो चलता था, लेकिन यहाँ पर इनके साथ कुछ अलग ही हो गया। ये लड़की अपना शो होस्ट कर रही थी कि पापा आ गए, वो भी बनियान पहनते हुए। तभी तो कहा जाता है कि किसी भी टीवी एंकर के लिए इतना आसान नहीं होता घर से शो को होस्ट करना। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी तस्वीर, जिसे देखने के बाद आपको बहुत हंसी आने वाली है। जी हाँ, ये नजारा है विंटर ओलंपिक गेम्स का। दोस्तों, आप खुद ही देखिए कि यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतने के बाद ये लड़की इंटरव्यू दे रही है, लेकिन अचानक ही क्या होता है वो आप देखिए। जी हाँ, ये इंटरव्यू देते देते बेहोश हो गई। अब इसके बारे में क्या ही कहा जाएगा, हो सकता है कि ये गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में बेहोश हो गई हो। दोस्तों, मैनचेस्टर यूनाइटेड के फुटबॉल खिलाड़ी पॉल पोगवा को कौन नहीं जानता। ये कमाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जो अब हम आपको दिखाते हैं कि लाइव इंटरव्यू के दौरान इन्होंने क्या किया। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइव टीवी इंटरव्यू चल रहा था और अचानक ही इन्होंने रिपोर्टर को स्विमिंग पूल में धकेल दिया। जी, ये तो पोगवा ही कर सकते हैं कि रिपोर्टर की हालत। रिपोर्टर आप ये भी देख लीजिए, यहाँ पर एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर कितना एक्साइटेड हो गया है कि क्या ही कहा जाए। जी हाँ, ये देखिए कैसे इन्होंने टीवी एंकर के सामने कहा कि कल एक बड़ा मैच है और मैं आज तेजी से रनिंग करते हुए बास्केटबॉल के कोर्ट तक जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ का नजारा। लेकिन जैसे ही ये रनिंग करने के लिए भागे, वैसे ही दोस्तों कमाल हो गया, ये पूरी तरह से नीचे गिरे। और वो कहते हैं ना कि जब आपको कोई काम नहीं आता तो कम से कम लाइव टीवी पर तो ट्राई ना करें। जी हाँ, ये देखिए ना कि कैसे चारों खाने चित हो गए रिपोर्टर साहब के। दोस्तों, कई बार कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है लाइफ में, जिसे लेकर कोई प्रिपेयर नहीं होता। जी हाँ फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सबसे अलग है। यहाँ पर एक जादूगर कोई कारनामा दिखाना चाहते थे, वो भी लाइव टीवी के दौरान, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया हंसती रही। जी हाँ, ये देखिए यहाँ का नजारा। ये जादूगर जैसे ही चेयर पर बैठे, वैसे ही सीट तो नीचे खिसक गई, लेकिन रॉड उनके पीछे अटक गया। ये देखिए दोस्तों, लाइव टीवी के दौरान उनके साथ क्या हुआ। ओ भाई, दोस्तों कई बार आपने नोट किया होगा कि हमारे कॉलेज के समय में कुछ ऐसे बच्चे भी होते थे जो कि हर समय दुनिया के सामने छाने की फिराक में रहते थे। जी हाँ, ऐसा इसलिए ये लड़के करते थे ताकि कोई लड़की इनसे इम्प्रेस हो जाए। अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो लगभग ऐसी ही घटना है। जी हाँ, यहाँ देखिए कि सभी बच्चे जो कि अपने अपने एग्जाम में पास हुए हैं, उन्हें सर्टिफिकेट दी जा रही है। लेकिन जैसे ही इस बच्चे को मिला, पता नहीं इसे क्या हुआ कि ये तो स्टेज पर ही बैक चेक मारने की कोशिश करने लगा। आगे हुआ क्या, खुद ही सबके सामने चारों खाने चित हो गया। कहाँ ये हीरो बनना चाहता था और कहाँ ये जीरो बन गया। क्या बात है, इसे कहते हैं वाकई में डफर आदमी, जो कि अपने सब खुद ही उछालते हैं। दोस्तों, यहाँ भी आप देखिए जो इस रिपोर्टर के साथ हुआ, वो ईश्वर ना करे किसी और के साथ हो। जी हाँ, एक रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है और पीछे से एक बच्चा आता है और उसकी पैंट खोलकर भाग जाता है। जिंदगी उजाड़ दी इसकी। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग बने ही होते हैं मजाक बनने के लिए। इस रिपोर्टर को देखकर मुझे भी कुछ ऐसे ही फीलिंग्स आ रही हैं। अब बच्चों को आप रोक भी तो नहीं सकते। अब दोस्तों यहाँ पर भी नजर मार लीजिए, ये है इंग्लैंड का एक क्रिकेट ग्राउंड। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे एक महिला रिपोर्टर दो गेस्ट के साथ बातचीत कर रही है। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि कई बार मैदान पर लाइव रिपोर्टिंग करना आसान नहीं होता। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ये देखिए
कैसे जब ये होस्ट अपने गेस्ट से बात कर रही थी कि अचानक ही बॉल जो है वो उड़ती हुई आई, ये सब के सब बाल बाल बच गए। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाइव शो करना कोई आसान काम नहीं, इसीलिए तो अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर कि ये महिला रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी कि वो अचानक ही भूल गई कि उन्हें बोलना क्या है। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर कैसे बोलते बोलते ये भूल गई कि आगे बोलना क्या है। उसके बाद इन्हें सबके सामने चुप रहना पड़ा। वेल दोस्तों, अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ, यहाँ हुआ ये कि जैसे ही लाइव शो चल रहा था, वेदर रिपोर्ट दिखाई जा रही थी कि एक महिला जो कि शो की डायरेक्टर बताई जाती है वो कैसे भागते हुई गई, और आप देख लीजिए। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो बार भागती हुई इधर से उधर गई। कई बार टेक्नोलॉजी भी धोखा दे जाती है। दोस्तों आप ये भी देख लीजिए। जी हाँ, ये नजारा है एक टीवी शो के लाइव मोमेंट का। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक रिपोर्टर जो है वो एक मुर्गी के साथ रिपोर्टिंग कर रही है। वो शायद कुछ मुर्गी बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके साथ जो होता है वो भी आप देख लीजिए। ये सब कुछ लाइव टीवी के दौरान हो गया। ये देखिए जैसे ही मुर्गी फरफराने लगी, ये रिपोर्टर उस मुर्गी को छोड़ छाड़ कर भाग गया। कमाल का नजारा है ये। दोस्तों अब आप ये भी देख लीजिए इस रिपोर्टर को, इनके हाथ में आइसक्रीम है और एक हाथ में है माइक। लेकिन जैसे ही लाइव रिपोर्टिंग करने की बारी आई, वैसे ही आइसक्रीम लेकर लाइव करने लगे। ये देखिए यहाँ का नजारा, सब के सब हंसने लगे। बात ही कुछ ऐसी है, यहाँ पर तो लगता है कि इनका ध्यान सिर्फ आइसक्रीम खाने पर ही है। दोस्तों अब हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर कैसे एक एंकर ने एक महिला के टी शर्ट को उठा दिया। जी हाँ, आप देखिए कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट है। आप सोचिए कि इस महिला पर क्या बीती होगी। अब आप यहाँ भी देखिए कि इस रिपोर्टर के साथ क्या क्या होता है। जी हाँ, ये बारिश में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर कोई बारिश में रिपोर्टिंग करता है तो ये काम सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अब आप ये देखिए कि कैसे छतरी के साथ रिपोर्टिंग करते हुए इनके साथ क्या होता है। जी हाँ, तेज हवाई और इनकी छतरी ही उड़ गई। भाई भी गायब हो गए छतरी हो जाता है कई बार, लेकिन इनका डेडिकेशन कमाल का है और फिर ये पीछे भी नहीं हटे। वेल दोस्तों, कई बार ऐसा लगता है कि लाइव टीवी पर एंकर पागल भी हो जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप देखिए कि कैसे इस महिला टीवी एंकर ने लाइव शो में अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। ये भी बड़ी अजीब सी बात है, कैसे कोई महिला इस तरह का काम कर सकती है। लेकिन ये देखिए कैसे लगातार अपने कपड़े उतारे जा रही हैं। दोस्तों अब इन्हें भी देख लीजिए, ये लाइव शो के दौरान ऑन एयर हो गई थी, लेकिन इन्हें किसी ने कुछ बताया ही नहीं। कहते हैं कि इस तरह की गलती बहुत महंगी पड़ती है। आप देखिए कैसे महिला भी शॉक्ड हो गई जैसे ही पता चला कि ये लाइव है, हालांकि उस समय अपने नेल्स को कट कर रही थी। दोस्तों अब यहाँ भी आप देख लीजिए। जी हाँ, यहाँ पर एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा है। वो कुछ सवाल पूछ रहा है उस आदमी से जिसकी कार पानी में फंसी हुई है। जी हाँ, यहाँ देखिए यहाँ पर अब क्या होगा इस आदमी के साथ। रिपोर्टर ने इसे इतना पीछे धकेल दिया कि ये बंदा सीधे पानी में जाकर नीचे गिरा। कई बार हो जाती है इस तरह घटना। क्या आपने कभी इस तरह का अनुभव लिया है? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों अब जो हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपको बहुत हंसी आने वाली है। जी हाँ, आपको हम दिखाते हैं कि लाइव टीवी के दौरान कैसे योगा सीखते हुए एक महिला योग गुरु के पीछे से पौ की आवाज आ गई। आपको जी हाँ, आपको बहुत हंसी आने वाली है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे चार महिलाएं एक साथ योगा कर रही हैं, लेकिन जैसे ही ये एक्सरसाइज करना शुरू करती हैं, वैसे ही दोस्तों अचानक से ही किसी ने फाट मार दी जो कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग के समय सुनाई दी। अब आप समझिए कि कितनी एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन थी। बताएगा नहीं कोई। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होता है लाइव टीवी के दौरान। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि कैसे कैसी चीजें होती हैं यहाँ। यहाँ देखिए चार से पांच लोग एक लाइव डिबेट्स में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि एक लड़का जो है वो बहुत परेशान है। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं कि इस लड़के के पैंट में ही सूसू निकल गई। अच्छा। जी हाँ, इतनी तेज प्रेशर आई कि सूसू कर दी, लेकिन किसी से नहीं कहा। जब अंत में इसे वहाँ से उठकर जाना पड़ा तो पता चला कि इसने तो पैंट में ही सूसू कर दी। अब आप बताइए कि इस तरह के लोगों को क्या कहा जाए। दोस्तों अब आप ये भी देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये लड़की जो है वो हरकतें कर रही है। ये देखिए कैसे लाइव टीवी शो के दौरान कुछ भी किए जा रही है। वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों को समझाना किसी के बस की बात नहीं। अब आप सोचिए कि कैसे यहाँ पर ये लड़की अपने कपड़ों को सही कर रही है। खैर, जो भी कर रही है वो सही नहीं कर रही। यहाँ पर तो इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ दिखा दिया।
तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भाई भाई का चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब, ज्ञान इन हिंदी अमेजिंग वीडियो। पहली बात तो भाई ने जो कमेंट्री करी फनी वे में, क्योंकि कमेंट्री करना भी एक नेक्स्ट लेवल की बात होती है, हंसते हंसाते हुए क्लिप दिखाते, क्योंकि क्लिप को और मजेदार भाई की कमेंट्री में बनाया। बहुत सारे क्लिप्स थी मेरे को, ऐसे तो देखते रहो आराम से, तो मजा आता है जब कमेंट्री होती रहे। कई लोग को इसलिए भी रिएक्शन मजा आता रहे देखने में, क्योंकि उनको लगता है कि हम साथ में देख रहे हैं, तो ये वाली बात भी होती है। और इसमें फनी फनी मोमेंट बहुत सारे थे। एक वो रिपोर्टर का भी, एक तो पन्ना ही भूल गई होगी, मेरे माइंड में भी ये चल रहा है कि ऐसे क्या इतनी मजबूरी थी कि सूसू कर दी उसने, मतलब कुछ बोल के उठ के जा प्रेशर बन रहा हो या भाई भूल गया हो। अच्छा कि प्रेशर बन रही है, भूल गया। एक तो बेचारो गड्ढे में गिरा दे वो आदमी, उसकी उसे गाड़ी कैसे फंसी, वो सालों से गिरा दिया जो ऐसे हमें तो लगा था लिफ्ट की, वो कर दी और एकदम से लाइव। और एक वो खतरनाक आइसक्रीम में खाते, ये होता है कई बार होता है। याद है जब मास्क नए नए लगने शुरू हुए थे, हम कुछ भी ऐसे खाते थे जैसे चने या कुछ भी, फिर याद आता, फिर वो याद आता, अच्छा ये कैसे हो गया। हाँ गड़बड़ हो जाती है लोगों से, बहुत सारे खतरनाक खतरनाक। जो वो वेदर वाला बता रही थी ना, फिर दो बार ऐसे बंदी वगैरह देख, कुछ भी कहो, बेस्ट वो था, वो भाई माइक लेके दे रहा, पीछे चीयर लीडर ऐसा काम कर रहा, बंदा भाग के आया, पेंट उतार दी और कह रहा यस यस कर दिया काम। भाई कई कलाकार धरती में अलग ही पैदा हुए भाई, कहाँ से लाते ना लाइव में वैसा होता तो है, उसको डेयर मिला होगा उसके ग्रुप से कि भाई तेरा को ये डेयर दे रहा हूं, जब लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी करके दिखा, तो भाई ने कर दिया, नाश कर दिया उस टाइम पे। तो क्लिप बहुत बढ़िया था, जो वो मैजिशियन था ना, हाँ, जब वो चेयर नीचे खिसक जाते हुए बैठा था, वो रिस्की वो छोड़ना, वो उसकी लड़की कपड़े उतारी और फिर ऐसे कह रहा सॉरी। हाँ ये वो तो मुझे समझ नहीं आया, क्या दिख रहा था वो चेहरी मार सीधा गया ऐसे करके सॉरी। कलाकार था सही में भाई, वीडियो मस्त थी भाई की। हाँ। आपको कैसे लगी बताना जरूर, ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि बात ही अलग होती है इन वीडियोस की, क्योंकि कमेंट्री फनी क्लिप्स एक तरह से ये फनी वीडियोस कंपाइलेशन हो जाता है। हाँ। ना और लाइव टीवी पे आपको पता होता है कुछ भी होता है, देखते हैं और ऐसी वीडियोस लाएंगे, क्या पता किस दिन ऐसा आविष्कारी आदमी मिल जाए जो भाई नेक्स्ट लेवल ही हरकत करते लाइव पे। तो मिलते हैं और वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।